दोस्तों, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था जमशेद जी टाटा जी का घर। उस वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ दिखाई नहीं, और वो है जमशेद जी टाटा जी का जो डॉग था या कुत्ता था, उसको मैंने आपको दिखाया नहीं। उनका जो डॉग था उसकी स्टैच्यू जो है वो उन्होंने अपने घर के एंट्रेंस पे बनाई थी। ये देखिए, ये है जमशेद जी टाटा जी का जो डॉग था वो ये है, और जो डिटेलिंग है इस स्टैच्यू में उसको आप देखिए, कितना बेहतरीन ये स्टैच्यू है। जमशेद जी टाटा डॉग लवर थे, और वैसी ही कुछ सिमिलैरिटीज आप रतन टाटा जी में भी देख सकते हो। ये टाटा फैमिली जो है, उनकी जो वैल्यू सिस्टम है उसमें डॉग्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि डॉग्स से इंसानों को भी बहुत कुछ सीखने लायक है। डॉग्स बोल नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद उनसे हमको बहुत कुछ सीखने मिलता है कि कैसे हम एक दूसरे के साथ वफादार रहे। तो यही कुछ वैल्यू सिस्टम आप टाटाज के कंपनीज में देख सकते हो। बॉम्बे हाउस, द ऑफिस ऑफ द टाटाज, इतने सालों से है, वेरी आइकॉनिक। रतन टाटा सर ऑन एंड ऑफ वो आते थे वो ऑफिस में, लेकिन ज़्यादातर वो 90s में वो ऑफिस में ज़्यादा आने लगे, क्योंकि रतन टाटा सर व्हेन ही केम टू इंडिया आफ्टर स्टडिंग, उनको एक जॉब का ऑफर था IBM में, लेकिन JRD टाटा ने उनको कैसे थे परस्यूएड किया, यानी उनको थोड़ा सा समझाया कि आप आके इंडिया में काम करो फॉर द टाटा ग्रुप, एंड ही केम फर्स्ट एट टिस्को, विच वॉज द स्टील का जो कंपनी है टाटा की, फॉर दैट कंपनी। देन ही वेंट टू द एम्प्रेस मिल, वो सेव करने को ट्राई किया। देन नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स नेल्को, उसको भी ही ट्राई टू रिवाइव दैट कंपनी, बिकॉज वो थोड़े से लॉस में जा रही थी। तो उन्होंने बहुत ट्राई किया ये दोनों, सो बट देवर काइंड ऑफ फेलियर्स फॉर हिम, बिकॉज एम्प्रेस मिल बंद कर दी गई, बिकॉज उस वक्त महाराष्ट्र में बहुत बड़ा आंदोलन था। फिर नेल्को का प्रॉब्लम ये हुआ कि इंदिरा गांधी ने एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी, बिकॉज ऑफ दैट वो कंपनी को रिवाइव नहीं कर पाए। तो सम ऑफ द कंपनीज विच वर गिवन टू रतन टाटा सर एज हिज फर्स्ट इंडिविजुअल काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स, तो ऐसे करके देयर वाज अ बिट ऑफ फेलियर्स इन द बिगिनिंग, बट यू नो द मेन बैकिंग रतन टाटा सर हैड वॉज फ्रॉम JRD टाटा। और JRD टाटा कौन थे? JRD टाटा वॉज द सन ऑफ जमशेद जी टाटाज कजिन, जो पार्टनर थे जमशेद जी टाटा के पार्टनर, जब इन्होंने टाटा एम्पायर शुरू की थी, वॉज रतन जी दादा बॉय टाटा, ही वॉज हिज कजिन, और कजिन का लड़का वॉज JRD टाटा, एंड ही हैड दिस फेथ इन रतन टाटा सर दैट दिस मैन कुड हेल्प द टाटा एम्पायर एंड क्रिएट एन एग्जाम्पल ऑफ सॉर्ट्स, ही अच्छा मतलब फ्यूचर के लिए। तो that's why he appointed Ratan Tata sir in the first place. So therefore in 1991 I think JRD Tata was the fourth chairman after Navroji Saklatwala, yani Navroji Saklatwala ko jab heart attack aaya, to 1938 mein JRD Tata ko appoint kar diya gaya, and JRD Tata unka naam actually Jahangir Ratan ji Dadaboy Tata hai, unko J bhi bolte the, J pyar se. So he found a successor in Ratan sir. ये वो building है जहाँ पे you know पूरा Tata group, you know उनका जो office है वो यही building है। alright, तो अभी मैं इस तरफ से जाने की कोशिश करता हूँ, मैं actually उस तरफ चले जाता हूँ। okay, so इसको अभी TCS house भी बोलते हैं, बॉम्बे हाउस, TCS हाउस, ऐसे। दिस इज द बिल्डिंग। हाँ, ऐसे कार आ रही है। यप, सामने ही ये मैदान है, इसमें बहुत सारी घास आ गई है, यहाँ पे लोगों को पकड़ रहे हैं। जैसे ये देख सकते हो आप दोस्तों, वहाँ पे लिखा हुआ है TCS House।
राइट। तो दोस्तों दिस वॉज वन ऑफ द प्लॉट्स विच जमशेदजी टाटा हैड बॉट अलॉन्ग विद दैट प्लॉट विच वॉज दैट फॉर द एस्प्लेनाड हाउस। सो दिस वॉज दीज आर टू प्लॉट्स। तो एक प्लॉट में ही दे कंस्ट्रक्टेड दिस बिग ऑफिस एंड द नेक्स्ट प्लॉट वॉज हिज हाउस और उसके आगे वो बैंक थी। तो एक तरह से एक उनको काफ़ी सहायता या ईज होती थी अपने ऑपरेशंस करने। और सामने आप देखोगे देर इज़ दिस स्टेशन, मतलब अभी उस वक्त तो यू नो देर वॉज दिस लाइन विच वेंट पीछे से एंड और क्या बोलूँ, अभी इसका जो कॉरपोरेट जो अफेयर्स है यानी कॉरपोरेट जो भी डिटेल्स है वो मैं बताने की कोशिश आपको करता हूँ दोस्तों। यहाँ दोस्तों अभी मैं जो अभी आपको हिस्ट्री बताने वाला हूँ इस जगह के बारे में, दैट इज़ गोइंग टू बी अबाउट रतन टाटा सर, बिकॉज रतन टाटा सर यहाँ पे डेली आते थे व्हेन ही वाज़ अ चेयरमैन एंड बाद में 2013 में जब वो रिटायर हुए तो ये इसको ना फर्निश करने को दिया, यानी 114 साल बाद अंदर का जो इंटीरियर है ना वो सब चेंज करवाया और ये शिफ्ट कर दिया था ऑफिस को और वो गया था हॉर्नमैन सर्कल में। हॉर्नमैन सर्कल में कहाँ पे है वो आपको मैं थोड़ी देर में दिखा दूंगा। फिर रतन टाटा सर के बाद में यहाँ पे कौन आए, वॉज इज साइरस मिस्त्री। साइरस मिस्त्री वॉज अ पार्ट ऑफ द फैमिली ऑफ द टाटा, नॉट एक्चुअली रतन टाटा, बट रतन टाटा के जो फादर थे नवल टाटा, नवल टाटा की सेकेंड वाइफ जो थी उनके बेटे हैं नोएल टाटा। तो नोएल टाटा की पत्नी जो है उनके जो भाई है उनके भाई है साइरस मिस्त्री। तो साइरस मिस्त्री का एंट्री ऐसे हुआ है आफ्टर गिविंग 50 ईयर्स टू द टाटा ग्रुप, इट वॉज फाइनली टाइम फॉर हिम टू रिटायर। और फिर रिटायरमेंट से पहले ना उनके जो बोर्ड मेंबर्स थे ग्रुप के जो बोर्ड में थे दे वर फाइंडिंग अ सक्सेसर, मतलब उनको दे वॉन्टेड अ सक्सेसर फॉर द ग्रुप एंड सो दे हैड अपॉइंटेड दिस बोर्ड ऑफ 9 मेंबर्स और सो। तो वो बोर्ड में ना ये साइरस मिस्त्री भी थे। साइरस मिस्त्री हु बिकेम द चेयरमैन लेटर ऑन ही वॉज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द बोर्ड दैट वॉज गोइंग टू फाइंड द सक्सेसर। तो हुआ ये कि जो बोर्ड में जो लोग थे ना वो लोग इतने इम्प्रेस हुए ना साइरस मिस्त्री से कि उनको लगा कि अभी इनको ही बना दो। नाउ हु इज़ एग्जैक्टली इज साइरस मिस्त्री? साइरस मिस्त्री इज बेसिकली अ पर्सन हु इज फ्रॉम द पालोनजी फैमिली, दैट इज पालोनजी मिस्त्री, शाहपुरजी पालोनजी। तो शाहपुरजी पालोनजी, तो उनको जो फादर है यानी पालोनजी मिस्त्री, ही हैड शेयर्स ऑफ द टाटा ग्रुप। कितना परसेंट? 18.4% शेयर्स। और उनको साइरस मिस्त्री को विरासत में मिले 12.4% फ्रॉम हिज फादर। तो ऐसे करके ही बिकेम अ पार्ट ऑफ द यू नो द बोर्ड, बेसिकली ऐसे उनको यहाँ पे एंट्री मिली। तो अभी आप पूछोगे अरे ये जो शाहपुरजी फैमिली है, शाहपुरजी पालोनजी फैमिली, इनके पास टाटा ग्रुप के इतने सारे शेयर्स कहाँ से आए? वेल, वो ऐसे आए कि अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस में देखा होगा, एक बहुत ही बड़ा वीडियो बनाया था मैंने 40 मिनट का, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि मुंबई का असली राजा कौन है, कौन था। तो उसमें ना एक आदमी का नाम लिया था मैंने, उसका नाम था एफ ई दिनशॉ। सो एफ ई दिनशॉ वॉज द पर्सन हु यूज टू फाइनेंस जमशेद जी टाटा फॉर हिज वेंचर्स। सो एफ ई दिनशॉ ने बहुत सारे पैसे लगाए थे टाटा ग्रुप पे। अब टाटा ग्रुप ने उनको शेयर्स दिया उसके बदले में, यू नो एज अ फॉर्म ऑफ यू नो काइंड ऑफ रीपेमेंट, बिकॉज दे ओड हिम अ लॉट ऑफ मनी। सो दीज शेयर्स वर अल्टीमेटली बॉट बाय द पालोनजी फैमिली, द शाहपुरजी पालोनजी। सो दे बॉट द शेयर्स फॉर दैट इज अराउंड 18.4% ऑफ द एंटायर होल्डिंग्स ऑफ द टाटा ग्रुप। तो ये बाय करने के बाद साइरस मिस्त्री के पास गए 12.4% ऑफ द शेयर्स। तो ऐसे करके ही बिकम अ वेरी प्रोमिनेंट पर्सन इन द बोर्ड। और फिर हुआ ये कि अल्टीमेटली वो चेयरमैन बन गए एंड आफ्टर ही बिकेम द चेयरमैन, उन्होंने जो डिसीजन लेने को चालू किया उससे लोगों को प्रॉब्लम होने लगा, यानी बोर्ड मेंबर्स को भी प्रॉब्लम हुआ, रतन टाटा सर को भी प्रॉब्लम हुआ। एंड व्हाट आर द डिसीजंस ही टुक, आई विल टेल यू। इन 2014, ये वही टाइम था, लाइक इनको एक साल भी नहीं हुआ था चेयरमैन बन के, और उन्होंने एक यू नो ऐसे डिसीजंस लिए। पहला डिसीजन ये था कि टाटा पावर का जो स्टेक था, ही सोल्ड 30% ऑफ टाटा पावर स्टेक इन आई थिंक इंडोनेशिया
or somewhere for 3000 crores. उसके बाद में he sold टाटा केमिकल्स का जो यूरिया प्लांट था, he sold that for 3000 crores. You know, ये एक कोई तो नॉर्वेजियन कंपनी को he sold it for 3000 crores the यूरिया प्लांट और द टाटा केमिकल. अभी आप सोचो अभी वो अभी होता तो कितना प्रॉफिट होता, बिकॉज द केमिकल इंडस्ट्री इज लाइक ऑन अ बूमिंग यू नो लेवल राइट नाउ. सो ही इज कीपिंग दैट असाइड. देन नियोटेल वॉज अनदर कंपनी विच ही सोल्ड ऑफ फॉर 3000 crores. It is a क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन कंपनी इन साउथ अफ्रीका. तो 3000 crores तो टोटल अराउंड 9,000 to 10,000 crores का सेल उन्होंने कर दिया द मोमेंट ही बिकेम द चेयरमैन. चलो ये सब तो ठीक है, ओके फाइन. He was doing it because तब ये जो companies थे they were not performing that well. उतने उनको तो profit में नहीं आ रहे थे. तो he was of the point कि जो ऐसे companies जो profit में नहीं है तो उनके stakes cut down करें, debt जो है उसको reduce करें. वो ऐसे एकदम ही shrewd और एकदम ही shrewd बोला rude नहीं shrewd businessman एकदम direct ऐसे. And he was quite the opposite of Ratan Tata sir. तो इसी वजह से बाकी अब प्रॉब्लम क्या हुआ. प्रॉब्लम तब हुआ जब उन्होंने एक बहुत ही बड़ी डील कर दी, 1.4 बिलियन डॉलर्स की डील उन्होंने कर दी फॉर बाइंग द सोलर फार्म्स फ्रॉम अ कंपनी कॉल्ड एज वेल्सपन. वेल्सपन भी बहुत ही बड़ी कंपनी है, इट्स अ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. एंड ही बॉट दैट कंपनीज सोलर फार्म्स कितना 1.4 बिलियन डॉलर्स के लिए. अब ये इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन, इतना बड़ा डिसीजन उन्होंने लिया विदाउट, इट इज़ सेड दैट ही डिड नॉट टेक द बोर्ड इनटू कंसिडरेशन. तो ये बात रतन टाटा सर को भी खटकी, और दूसरी चीज़ ये भी खटकी उनको कि रतन टाटा सर को उन्होंने पूछा नहीं, ही डिडंट आस्क लाइक शुड आई गो अहेड विद दिस डील और शुड आई नॉट. तो ये बात रतन टाटा सर को यू नो ही डिड नॉट लाइक इट. तो यहाँ पे एक बड़ा एक स्टेपिंग पॉइंट था. और फिर फाइनल नेल इन द कॉफिन तो ये था कि एक कंपनी थी जो टाटा डोकोमो, आपने सुना ही होगा. तो एनटीटी डोकोमो ये एक जापानीज कंपनी थी, दे हैड फॉर्मड एन अलायंस विद टाटा इन 2009 व्हेन रतन टाटा सर वाज द चेयरमैन ऑफ द ग्रुप. सो दे हैड फॉर्मड दिस अलायंस. लेकिन हुआ ये कि 5 साल बाद यानी 2014 में एनटीटी डोकोमो द जापानीज कंपनी दे फेल्ट दैट उनको कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा था, वो लॉस में जा रहे थे. सो दे वॉन्टेड टू कम आउट ऑफ द अलायंस. तो उन्होंने वैसे बोला कि साइरस मिस्त्री को कि वी वॉन्ट टू कम आउट ऑफ द अलायंस, तो हमारा जो भी स्टेक है या जो भी परसेंट है वो आप एक काम कीजिए, आप खुद खरीद लीजिए या फिर कोई बायर ढूंढ लीजिए, हमको यहाँ से बाहर निकलना है. तो साइरस मिस्त्री व्हाट ही डिड वाज ही नाइदर यू नो बॉट देम नॉर डिड ही फाइंड अ बायर फॉर एनटीटी डोकोमो टू गेट आउट ऑफ द यू नो अलायंस. तो अभी क्या है ना, रतन टाटा सर को ये बात बहुत लग गई, बिकॉज सी रतन टाटा सर ने एक बार प्रॉमिस कर दिया ना तो वो पीछे हटते नहीं है. यू नो वो प्रॉमिस पूरा करते ही करते हैं, तो ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है. तो रतन टाटा सर इन 2009 हैड प्रॉमिस्ड एनटीटी डोकोमो दैट सी इफ द कंपनी कम्स इन लॉस देन वॉट एवर इन्वेस्टमेंट वॉज देयर उसका 50% पैसा वो उनको दे देंगे. यू नो ऐसे उन्होंने प्रॉमिस किया था. और अभी साइरस मिस्त्री व्हेन ही बिकेम द चेयरमैन ही वाज बिजी यू नो ट्राइंग टू रिवाइव द टाटा एम्पायर. बिकॉज आपको पता है, मैं ये चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि इसे को द टाटा ग्रुप नो डाउट इज़ द बिगेस्ट ग्रुप, लेकिन उनके जो टॉप 10 कंपनीज थे उसमें से सिर्फ 2 कंपनीज को प्रॉफिट हो रहा था. एंड दोज 2 कंपनीज वर TCS, which was the IT company, IT services, and second was Tata Motors. Apart from those companies, none of the companies were in a profit. Tata Steel was going all downwards, Tata Chemicals downwards, so Tata Power downwards. So aise, in short, jab Cyrus Mistry aaye, so he was given a company which was not exactly a very successful kind of a company. It had a lot of loss. There were too many companies that were to be taken care of, lot of debt. So iske wajah se he had a big task on his hands. Unke paas ek bahut you know bada ek challenge tha. To usi challenge ko complete karne ke liye wo aise sab decisions le rahe the. Jo decisions jo bade boss hai Ratan Tata sir unko pasand nahi aa rahe the. And
मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द 1.4 बिलियन डॉलर डील, एंड सेकेंड वॉज वॉट ही डिड विद डोकोमो. उनको जो यू नो अटकाया, यानी तो डोकोमो ने क्या किया, डोकोमो हैड गॉन टू कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट, लंदन कोर्ट में डोकोमो ने आर्बिट्रेशन प्ली फाइल की, और ये सब एक इंटरनेशनल मैटर बन गया कि टाटा हैज़ डन दिस टू दिस कंपनी. तो ऐसे करके ना इट वॉज काइंड ऑफ अ वेरी नेगेटिव काइंड ऑफ पब्लिसिटी फॉर यू नो द टाटा ग्रुप, बिकॉज टाटा ग्रुप नेवर यू नो दे नेवर वॉन्टेड सच अ काइंड ऑफ पब्लिसिटी, सच अ नेगेटिव पब्लिसिटी, बिकॉज दे ऑलवेज वॉन्टेड टू हेल्प पीपल एंड सेट एन एग्जाम्पल फॉर द कम्युनिटी, बिकॉज देर इज अ मिशन स्टेटमेंट, यू कॉन्ट इवन से मिशन स्टेटमेंट, बट देर इज अ वैल्यू सिस्टम और एन आइडियल विच मोस्ट ऑफ द पारसीज फॉलो और इवन द टाटा ग्रुप फॉलोज, एंड दैट इज हुम्त हुक्त हुवर्ष्त, गुड थाट्स गुड वर्ड्स गुड डीड्स. ये तीन चीज़ों के ऊपर ये बनाया गया है, एंड द ग्रुप द टाटा ग्रुप्स मेन मिशन was to uplift the quality of life of people in the community which they serve globally, also to create value for the stakeholders on the basis of trust and leadership. Trust and leadership, ye bahut hi important cheeze the unke, you know, jo company ke jo value system hai usme ka, aur yahi cheez I think you know Cyrus Mistry, I think he forgot and he made those decisions, you know, he wanted basically to save the companies, you know, to revive the companies, to make them number one. But unka ye sara, you know, kaam thoda sa phas gaya, because kya hua ki he went basically thoda sa against the value system of the group. To aise karke he went against the board. Ratan Tata sir did not want to go against him in court or anything, but क्या हुआ, ही गेव हिम अ चांस एंड अपॉर्चुनिटी भाई कि यू स्टेप डाउन एज द चेयरमैन, यू नो आप और आगे कंटिन्यू मत कीजिए. ही गेव हिम दैट अपॉर्चुनिटी बट ही डिड नॉट टेक इट, साइरस मिस्त्री, बिकॉज साइरस मिस्त्री इनसाइड ही फेल्ट दैट ही वॉज डूइंग द राइट थिंग, बट ऐसे करके देर वॉज दिस डिसकंटेंट अमॉन्ग द बोर्ड मेम्बर्स, सो अल्टीमेटली ही वॉज टोल्ड टू गो. एंड नाउ द थिंग इज, अभी आप जो मेन बॉस है उनसे अगर आपने लड़ाई चालू कर दी, तो ऑब्वियसली रतन टाटा सर, इवन दो रतन टाटा सर इज नॉट द चेयरमैन ऑफ द टाटा ग्रुप, यू नो आई मीन एट दैट टाइम इवन दो ही वॉज नॉट द चेयरमैन, ही वॉज स्टिल द चेयरमैन ऑफ द टाटा ट्रस्ट. एंड गाइज, वॉट इज द टाटा ट्रस्ट? द टाटा ट्रस्ट एंड फाउंडेशन ओन 66% of all the holdings of the Tata Group. Tata Sons, Tata Group, so 66% of it owns. That is such a huge chunk of money. They are the only promoters of the group, and it is a huge deal, guys. Aur iske in charge hai Ratan Tata sir, and that's the reason why, even though he was not the chairman, but still he was in control. Yani unko agar koi baat achhi lagegi to He had the power to remove Cyrus Mistry. He had the power because unke hi favor mein board jayega na. So aise karke, you know, Cyrus Mistry had to step down, and uske baad mein Ratan Tata sir became the chairman again for I think 1 year, 2016-17 tak I think he became, and then another chairman was appointed, and he was Natarajan Chandrasekaran, who was the CEO of TCS. TCS is the biggest company for the Tata Group, because सबसे ज़्यादा profit TCS में से आता है. अभी टाटा मोटर्स, TCS, ये सारी companies में से profit टाटा को आता है. So anyways guys, I hope you like this video till here. If you like the video, then definitely hit the like button, share, subscribe, and don't forget to follow me on Instagram, Facebook, because I keep on posting such interesting videos for all you people, informative videos. I hope you like them.